Hello everyone. Aaj hum log a poem Books. Come in, come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall skinny books up high on the shelves, little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look the pictures told stories, what a wonderful book. सो so गाइस ये जो पोएम है वो लाइब्रेरी के बारे में है और लाइब्रेरी के अंदर जो ढेर सारे बुक्स हैं उसके बारे में तो क्या यहाँ पे पोएम में बोल रहा है कम एन कम एन सेट द लाइब्रेरी डोर क्यों जो लाइब्रेरी का डोर है वो कहते हैं कम एन कम एन कि अंदर आ जाओ भीतर आ जाओ आई ओपन डेट वाइड एंड सो बुक्स गैलोर गैलोर का मतलब बहुत सारा ढेर सारा एबेंडेंस में तो ये जो बच्चा है वो कहता है मैंने लाइब्रेरी का डोर खोला जो कि बहुत बड़ा था और वहाँ पे मैंने क्या देखा वहाँ पे मैंने देखा कि उस लाइब्रेरी में ढेर सारे बुक्स थे किस किस तरह के बुक्स थे टॉल स्की बुक्स यानी कि लंबे पतले बुक्स थे स्किनी का मतलब पतला अप हाई ऑन द शेल्व्स वो एकदम शेल्व्स के ऊपर पड़े थे जैसे कि इस तरह कि सबसे ऊपर वाले शेल्फ में पड़े थे लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देम और किस तरह के बुक्स थे छोटे और मोटे बुक्स थे जो खुद ब खुद अपने ही खड़े थे आई ओपन वन डाउन टू लुक कि मैंने एक बुक उठाई उसे खोला और बैठ के उसमें देखने लगा द पिक्चर टोल स्टोरीज अ वंडरफुल बुक वंडरफुल यानी कि बहुत ही बढ़िया बुक तो वो बुक कैसी थी उसमें पिक्चर्स थे और वो पिक्चर्स स्टोरी बोल रहे थे बहुत सारे बुक्स में स्टोरीज इस तरह से दी हुई होती हैं जैसे कि पिक्चर्स और पिक्चर्स ढेर सारे पिक्चर्स बने होते हैं तो इस बच्चे को वो बुक बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके अंदर वो जो पिक्चर्स थे वो ही पूरी स्टोरी बोल रहे थे नाउ लेट्स डू द न्यू वर्ड्स library wide yani chauda galore matlab dher sara in abundance skinny patla shelves wo jo shelf hote hain unhe hum kehte hain shelves wonderful yani bahut badhiya now let's do the question answers question number 1 what did the library door से कि library का जो दरवाज़ा था वो क्या बोलता था

मोटे थे क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिड द चाइल्ड इन द पोयम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स कि वो जो बच्चा था पोएम में उसे बुक के अंदर जो पिक्चर्स थे उसे देखने में क्यों अच्छा लगता था आंसर द चाइल्ड इन द पोयम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज द पिक्चर्स सैड स्टोरीज कि वो जो बच्चा था पोएम में उसे पिक्चर्स देखने में अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो जो पिक्चर्स थे वो स्टोरी बता रहे थे नाउ लेट्स डू लेट्स लेसन की सुनो लेसन टू द वर्ड्स इन वर्ड्स को सुनो कम इन कम इन गो आउट गो आउट कम इन कम का मतलब भीतर आओ भीतर आओ गो आउट गो आउट का मतलब बाहर जाओ बाहर जाओ वॉट वर्ड साइंस हैव यू सीन और हर्ड मतलब ये जो कई बारी वर्ड्स में कुछ साइंस होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है तो आपने कौन सा सुना है या देखा है एट होम साइन होता है गेट इन कि भीतर आ जाओ एट द वेजिटेबल शॉप हाउ मच फॉर दिस के बाद क्वेश्चन मार्क कि इस चीज का कितना दाम है एट द लाइब्रेरी साइलेंस प्लीज लाइब्रेरी में क्या कहते हैं कि साइलेंस मेंटेन करो एट द डॉक्टर्स प्लेस डॉक्टर के यहाँ जब हम जाते हैं तो क्या लिखा होता है डोंट स्मोक कि स्मोकिंग नहीं करनी है एट द बस स्टॉप बस स्टॉप पे क्या लिखा होता है फॉर्म अ क्यू कि लाइन बनाओ क्यू का मतलब लाइन बनाओ एट द टॉय शॉप टॉय शॉप में क्या लिखा होता है वट डू यू वॉन्ट कि आपको कौन सा टॉय चाहिए नाउ वी विल डू लेट्स टॉक क्वेश्चन नंबर वन डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स क्या आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी पसंद है आंसर येस आई लाइक रीडिंग यहाँ पे स्टोरी लिख लेना एस टी ओ आर वाई स्टोरी आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स कि मुझे स्टोरी बुक्स पढ़नी पसंद है क्वेश्चन नंबर टू वट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक आपको किस तरह की स्टोरीज पढ़नी पसंद है आई लाइक कॉमेडी स्टोरीज घो स्टोरीज एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन नेचर कि मुझे कॉमेडी की स्टोरीज पसंद है भूतों वाली कहानियाँ पसंद है और ऐसी कहानियाँ पसंद है जो कि नेचर के ऊपर बेस्ड हो नेचर यानि कि रिवर्स माउंटेंस इस इन सब चीज़ों को हम कहते हैं नेचर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री द वर्ड गैलोर मीन्स इन ग्रेट नंबर्स कि ये जो वर्ड गैलोर है उसका मतलब होता है ढेर सारे ग्रेट नंबर्स ग्रेट मतलब बहुत सारे बहुत ज़्यादा डू यू ऑल्सो हैव अ क्लाइस क्लास लाइब्रेरी और अ स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स कि आपके स्कूल में क्लास लाइब्रेरी है या फिर स्कूल लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे बुक्स पड़े होते हैं कैन यू बोरो बुक्स कि क्या आप वो बुक्स को उधार ले सकते हो या अपनी लाइब्रेरी से ले सकते हो द आंसर इज यस वी हैव अ स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स कि हाँ हमारे स्कूल में एक स्कूल लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं येस वी कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी वंस एवरी कि हाँ हम हम लोग हर एक हफ्ते में एक बार बुक्स को बोरो कर सकते हैं बुक्स इशू करवा सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक कि आप अपनी क्लास को फेवरेट अपने फेवरेट स्टोरी बुक के बारे में बताइए टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक मोस्ट इन द बुक कि बुक्स में और या स्टोरीज में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो आपको उस स्टोरी में सबसे बढ़िया कैरेक्टर कौन सा लगा आंसर माई फेवरेट स्टोरी बुक इज पस इन बोर्ड्स पस का मतलब पुसी कैट कैट

चलो लिखें मेक वर्ड फैमिलीज द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज़ बिन रिटन फॉर यू सो गाइज बच्चों ये बेसिकली राइमिंग वर्ड्स हैं इनके एक दो लेटर्स डिफरेंट हैं और बाकी के सारे लेटर्स सेम हैं जैसे कि डब्लू ई डबल एल वेल वेल यानी कि कुआं एस एच ई डबल एल शेल शेल यानी कि आउटर कवरिंग जैसे कोई नट होते हैं ना उसकी आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं शेल एस पी ई डबल एल स्पेल यानी कि स्पेल स्पेलिंग बोलो टी ई डबल एल टेल टेल यानी कि बोलो नाउ ए आई एल से बनाना है टी ए आई एल टेल टेल यानी कि पूछ एम ए आई एल मेल मेल यानी कि लेटर टी आर ए आई एल ट्रेल ट्रेल यानी कि किसी रास्ते को किसी तरीके से फॉलो करना आर ए आई एल रेल रेल यानी कि वो पटरियाँ पे ट्रेन्स दौड़ती हैं एस डब्ल्यू सी देखना टी एच आर W थ्री यानि कि तीन नंबर बी W बी बी यानी मक्खी ट्री ट्री यानि कि पेड़ बी डब्लो के बुक किताब एल डब्लो के लुक देखो सी आर डबल ओ के क्रुक यानी कि धोखेबाज एस एच डब्लो के शुक हिलना या झुकना बी आर डब्लो के ब्रुक ब्रुक होती है छोटी सी नदी एकदम छोटी सी नॉट नाट नदी जैसे स्ट्रीम होती है ना उस तरह की लुक एट दिस सेंटेंस कि इस सेंटेंस को देखो अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वे बुक्स आ कैप्ट कि लाइब्रेरी एक वो जगह होती है जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिज सेंटेंसेस कि इन सेंटेंसेस को पढ़ो और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करो एंड अ पोर्ट इज अ प्लेस वे एरोप्लेंस टेक ऑफ एंड लैंड कि एयरपोर्ट वो जगह होती है जहाँ से एरोप्लेंस उड़ान भरते हैं और लैंड भी करते हैं अ डैश इज़ अ प्लेस वूड इज़ किचन इज अ प्लेस वह फूड इज किचन वो जगह होती है जहाँ पे खाना पकाया जाता है नंबर थ्री अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वे सिख पीपल आर टेकन केयर ऑफ कि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे बीमार लोगों की देखभाल होती है और शॉप इज़ अ प्लेस वे यू कैन बाय थिंग्स कि एक शॉप या दुकान वो जगह होती है जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हो नंबर फाइव स्कूल इज़ अ प्लेस वे चिल्ड्रेन स्टडी कि स्कूल ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं सो गाय दिस वॉज योर पोयम लाइब्रेरी सो What is library? Library is a place where you can find lots and lots of books. There are all kinds of books in the library: tall skinny books, lumbe or patle, little fat books, chote or mote. So, all kinds of books are found in this library. There are books which have pictures, and the pictures tell stories. So, a library has many, many, many wonderful books. So, you should also go to the library. Maybe you will find very interesting books on many interesting stories. So, if you have liked this video, do subscribe to our channel and also do not forget to like and share this video. Thank you very much, everyone. Bye-bye.